नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, अब मानसून विदा लेने को है और खरीफ फसलें कटने पर हैं। किसान भाइयों, यही वो समय है जब आप सावधानी पूर्वक और उचित सलाह लेकर कार्य करें अपने खेतों में और अपनी फसलों का उचित मूल्य पाएं। त्योहारों के इस मौसम में हमारी सलाह तो आपके लिए यही है कि आप वैज्ञानिकों के सुझाव मानें और उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग करें और एक प्रगतिशील किसान कहलाएं। ऐसी ही कुछ जानकारियों का खजाना लिए हम शुरू करते हैं आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे सबसे पहले खबरें खेती की व मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि के मुख्य समाचार। मॉनसून की कमी से निपटने की तैयारी, कम पानी वाली फसलों का बीज उत्पादन लें, देशी किस्म से तैयार होगा लंगड़ा आम, रबी सरसों की खेती और मटर से कमाएं लाभ। मॉनसून की कमी से निपटने के लिए केंद्रीय किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सभी विभागों और अन्य स्टेक होल्डर विभागों के साथ बैठक की, जिसमें जल संसाधन, भू संसाधन, ऊर्जा, पेयजल, खाद्य मंत्रालय विभाग सहित IMD, CWC आदि के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। कृषि एवं सहकारिता विभाग ने गत दिनों एक अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय दल IMCT का गठन संयुक्त सचिव के नेतृत्व में किया है। IMCT सूखे का आकलन एवं वित्तीय सहायता की सिफारिश के लिए राज्य में पहुंच गई है। IMCT की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता मंजूर करने पर विचार किया जाएगा। बैठक में महानिदेशक भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि पिछले दिनों महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में अच्छी बारिश हुई है। यह बारिश पूरे महाराष्ट्र व कर्नाटक को राहत देगी। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कम वर्षा में पैदा होने वाली फसलों के लिए प्रमाणित बीज उत्पादन प्राथमिकता से किए जाने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ के संचालक मंडल की बैठक में श्री भार्गव ने बीज उत्पादन और वितरण कार्य की समीक्षा की। इस अवसर पर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री गौरी शंकर बिसेन मौजूद थे। बैठक में बीज संघ द्वारा खरीफ तथा रबी वर्ष 2014-15 में बीज उत्पादक समितियों को उपलब्ध करवाए गए प्रजनक बीज वितरण का ब्यौरा दिया। खरीफ तथा रबी 2015 की फसलों के लिए प्रमाणित बीज उत्पादन की कार्य योजना पर चर्चा हुई। खरीफ वर्ष 2015 में करीब 3,50,000 क्विंटल प्रमाणित बीज उत्पादन की संभावना बताई गई। इसी तरह रबी वर्ष 2015-16 में 5,31,900 क्विंटल प्रमाणित बीज उत्पादन का अनुमान बताया गया है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की उद्यानिकी नर्सरी में देसी आम की प्रजाति को लंगड़ा आम में बदलने का कार्य किया जा रहा है। यहां के 3 कर्मचारी मिलकर प्रतिदिन 300 आम के देसी पौधों को स्टोन ग्राफ्टिंग तकनीक से लंगड़ा, तोतापरी, केसर, बेगमपल्ली, दशहरी, सदाबहार आम की वैरायटी में बदल रहे हैं। इस प्रकार से तैयार लगभग 5,000 उन्नत व महंगे दामों पर बिकने वाले इन आम के पौधों को शासकीय नर्सरियों से विक्रय किया जाएगा। एक व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 100 पौधों की ग्राफ्टिंग कर सकता है। ये कल में 15 दिनों में पत्ती निकालना प्रारंभ कर देती हैं और अगले 6 माह में खेतों में लगाने हेतु तैयार हो जाती हैं। उन्नत पौधे तैयार करने हेतु स्टोन ग्राफ्टिंग, साइड ग्राफ्टिंग, टॉप वर्किंग, भेंट कलम, विनियर तकनीक का उपयोग किया जाता है। स्टोन ग्राफ्टिंग हेतु 6 से 8 इंच की कलमें मूल पेड़ से जुलाई से अक्टूबर तक निकालकर देसी आम की गुठलियों से तैयार पौधों पर लगाई जाती हैं। इन तकनीकों से आम, आंवला, चीकू के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। सरसों की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। भूमि का PH मान 7 से 8 के बीच अर्थात उदासीन से हल्की क्षारीय मिट्टी सरसों की खेती के लिए अच्छी रहती है। सरसों की खेती के लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए खरीफ में ली गई फसल की कटाई के बाद एक गहरी जुताई करनी चाहिए तथा इसके बाद कल्टीवेटर या रोटावेटर से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। सरसों की उन्नत किस्मों में वरदान, वरुणा, T59, पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान, वसुंधरा, RH9304, अरावली, RN393, लक्ष्मी, स्वर्ण ज्योति, आशीर्वाद, कृष्णा क्रांति, जवाहर 1 आदि प्रमुख हैं।
अच्छे विकास वाली भुरभुरी दोमट मिट्टी मटर की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। सितंबर के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में बोनी करना चाहिए। शीघ्र पकने वाली किस्मों के लिए 100 से 120 किलोग्राम एवं मध्यम व देर से पकने वाली किस्मों के लिए 80 से 90 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बीजोपचार कर शीघ्र तैयार होने वाली किस्मों के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 5 से 6 सेंटीमीटर रखें। मध्यम एवं देर से पकने वाली किस्मों में 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति तथा पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखें। खेत में पलेवा देकर बतर आने पर 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर बोनी करें। मटर की उन्नतिशील किस्मों में पूसा प्रगति, PLM 3, जवाहर मटर 3, जवाहर मटर 4, जवाहर मटर 1, जवाहर मटर 2, आज़ाद P1, अर्किल मटर अगेती, आज़ाद मटर 3, बॉर्नवेले आदि लगाई जा सकती हैं। इन किस्मों से औसतन 80 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरी फलियां प्राप्त होती हैं। खेतों में पलेवा करके खेत को तैयार करने में काफ़ी संख्या में खरपतवार खत्म हो जाते हैं। रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 48 घंटे के भीतर पेंडी मिथालीन नामक दवा 3.3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात, राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:30 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि खरीफ फसलें अब कटाई पर हैं और आने वाली अगली फसल रबी फसल के लिए आप अपने खेतों को तैयार कर रहे हैं। रबी फसलों की बुवाई के लिए सबसे अति महत्वपूर्ण है बीजों का चुनाव, उपचारित और उन्नत किस्म के बीजों का चुनाव। जहां आपकी फसलों को रोग मुक्त रखते हैं, वहीं आपको भरपूर पैदावार भी देंगे। रबी फसलों के लिए बीजों का चुनाव, उसकी तैयारी किस तरह करें, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर M. यासीन जी से। आप अपना बीज स्वयं लगाना है आपको और इतने सालों का आपको तजुर्बा भी है, तो आप थोड़ी थोड़ी सी बातें देख लीजिए। वो प्रमाणित बीज के स्तर का बीज बनाने की कोशिश करिए। तो हम ये कहेंगे कि आपके पास जो भी बीज है, जो भी आपके पास किस्म उपलब्ध है, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से छन्ना लगा लीजिए। तो छोटे दाने उससे हट जाएंगे, मतलब जिसमें एंडोस्पर्म में कम होगा हो, तो वो बीज अच्छा नहीं होता है, तो वो हट जाएंगे, तो एक तरह का बीज अच्छा हो गया आपके पास। फिर बार बार उसकी छनाई करने के बाद आप एक रूप निकाल लीजिए बीज। इसके बाद टूटे फूटे बीज हों, कुछ ऐसा कंकर पत्थर हो, ये हटा दीजिए। ये हटाने के बाद आपको ये महसूस हो जाएगा कि अब आपके पास करीब 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 एक जैसा बीज आ गया है। अगर कोई भदरंगे हैं बीज, किसी का रंग है ख़राब, किसी में बीमारी लगी है, किसी में आपको लगता है कि थोड़ा सा कीड़े लगे हैं, इनको हटा देंगे तो आपको बिल्कुल कंप्लीट एक जैसा बीज हो जाएगा। अब ये जब कर लें, तो फिर आता है सवाल कि बीज, प्रमाणित बीज की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है। प्रमाणित बीज की खास बात होती है कि अंकुरण।
अंकुरण उस खेत में कितने पौधे लगेंगे कि 4.5 लाख लगेंगे कि 5 लाख लगेंगे, इसको इसको जो पक्की बात कौन करता है, अंकुरण बताता है। तो अंकुरण परीक्षण ही सबसे बड़ी गारंटी है आज आपके पास जो बीज है उसके लिए। तो आप अंकुरण परीक्षण उसका कर सकते हैं। अंकुरण परीक्षण के लिए आपको करना क्या है, अंकुरण परीक्षण के लिए आपको ये करना है कि आप करीब करीब 100 दाने गिन के 100 दाने ले लीजिए, चाहे वो चने के हों, चाहे वो गेहूं के हैं, चाहे मसूर के हों, चाहे वो मटर के हों, और 100 दाने लेने के बाद आप उसको पानी में भिगा दीजिए। भिगाने 2-3 घंटे भिगाने के बाद, कई बार हम लोग करते हैं घरों में चने वगैरह अंकुरित करके खाते हैं, तो आप भिगा दीजिए। भिगाने के बाद आपको ये महसूस होगा कि अगर आपको अंकुरण परीक्षण करना चाहते हैं आप, तो एक क्यारी बना लीजिए और क्यारी में 10-10 दाने करके 10-10 लाइनों में लगा लीजिए, और 3-5-4 दिन के बाद जैसे ही आप देखेंगे तो वो बीज क्या होगा, आपको अंकुरित होते हुए दिख जाएगा। अंकुरित होता हुआ दिख जाएगा तो आप उसको गिन लीजिए, अगर 60 हैं, 70 हैं, 80 हैं, 90 हैं, कितने हैं। अगर 100 में से 90 हैं, मतलब 90% अंकुरण हो गया। हमें चने में चाहिए 85%, 85 से ज़्यादा आ गया 90, बहुत अच्छी बात है। अगर कम हो रहा है, बाय द वे ऐसा लगता है कि 60% हो गया या 70% हो गया अंकुरण, उस कंडीशन में आप जो अक्सर लोग करते हैं कि बीज की मात्रा बढ़ा दें। बीज की मात्रा बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हमारी पौधों की संख्या बराबर रहे। तो पौधों की संख्या अगर आपको बराबर रखना है तो आपने जो उसमें खाद डालेंगे, जो पानी डालेंगे, जो रख रखाव करेंगे, जो लेबर लगाएंगे, जो वीडिंग करेंगे, जितने भी खर्च आप करेंगे, 5 लाख पौधों में उतने ही करेंगे, और 3.5 लाख हुए तो भी उतने ही करेंगे, और 3 लाख भी होते हुए। लेकिन अगर 5 लाख है तो मतलब उपज आपकी पक्की है। तो उपज पक्की करने के लिए आप पौधों की संख्या पक्की करना, और पौधों की संख्या पक्की करने के लिए आप मान लीजिए कि आप अंकुरण परीक्षण कर लीजिए। अब अंकुरण परीक्षण एक तो ये तरीका है कि आप ज़मीन में क्यारी बना के लगाइए, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उसको कागज़ में यूं करके लपेट लीजिए, 10-10 दाने करके लपेट लीजिए, नम कर लीजिए, और 3-4-5 रोज़ के बाद उसको आप देख लीजिए। जैसे ही आप उसको नम रखिए, अंधेरी जगह में रखिए, ये मत रखिएगा कि आप उसको सूखे में रख दें, अंधेरी जगह में रखें, क्योंकि अंधेरे में ही अंकुरण होता है। और टेम्परेचर बहुत ठंडे मत रख दीजिए, फ्रिज में मत रख दीजिए, बल्कि उसका टेम्परेचर का भी ऐसा रहे कि 25 से ऊपर 30 के आसपास होगा तो अंकुरण फर्स्ट क्लास अंकुरण आएगा। अंकुरण आया तब अंकुरण देख लीजिए, अंकुरण देखा आपने, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कहने का मतलब सिर्फ अंकुरण परीक्षण करके और बीज की सफाई करके, इतने ही दो काम से आप एक एक जो पौधों की संख्या जितनी चाहिए होती है उतनी पा सकते हैं। मतलब अपने बीज को ही आप स्वयं उपयोग करेंगे और सक्सेसफुल पाएंगे, और उसको कह सकते हैं प्रमाणित स्तर का बीज आप अपने स्तर से बना सकते हैं। प्रमाणित नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास जो उसकी लागत है और जो उससे प्रॉफिट होने वाला है वो तो कम से कम अश्योर कर लेंगे। ये बात आप ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप वैरायटी का सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है, तो वैरायटी के सिलेक्शन में आप भूल के भी ऐसी बातों में मत आइए लोग कि ये कर लो, वो कर लो, इसको लगा लीजिए, उसको लगा लीजिए। हम ये कहेंगे आपके पास जितने पानी हैं, 3 पानी हैं तो 3 पानी वाली लीजिए, अगर पानी नहीं है तो बगैर पानी वाली किस्म से चूज़ करिए। इसी तरह से चने में भी करिए, काबली देख रहे हैं, काबली का तरीका अलग है, काबली का मौसम अलग है। इसलिए जो भी कुछ वैरायटी लें, चाहे चने में लें, चाहे गेहूं में लें, वैरायटी का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करें, और वैरायटी का सिलेक्शन वैसे करें जो आप अपनी खेत की कंडीशन जानते हैं जिसको, और जब जानेंगे तो आपका सिलेक्शन आपके हिसाब से होगा, आपकी मर्ज़ी से होगा। तो वैरायटी के सिलेक्शन में आप हम ज़रूर कहेंगे कि बहुत सोच समझ के और आपस में एक दूसरे से बात करके लें, ऐसे अनजाने से पूछ के एकदम से ना लें किसी से, ये अच्छी वैरायटी अच्छी ऐसा करके ना लें, बल्कि आप उसको समझ कर लें। इतना ही मैं आपसे चाहता हूं कि आप वैरायटी का सिलेक्शन बहुत सोच समझ करें और अपना बीज तैयार करने की कोशिश। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू, देख खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें, जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं, दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो ना दानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं, कैसे उठाएं इनका लाभ,
जानिए अपने गांव का हाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, हमारा देश भारत आज लगातार तरक्की कर रहा है, इसके साथ ही हमारे देश के किसान भी। आज नई सोच और नई मेहनत और लगन के चलते किसान भाइयों ने कृषि क्षेत्र में भी अपना एक मुकाम बनाया है। ऐसे ही एक किसान भाई हैं गीता प्रसाद पाटीदार, जिन्होंने परंपरागत तरीकों को छोड़कर नई तकनीकों को अपना कर कृषि क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाया है। मिलते हैं गीता प्रसाद पाटीदार जी से और देखते हैं उनकी सफलता की कहानी। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे सफल किसान से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने नित नए प्रयोग करके अपने आप को एक सफल बनाया है। तो आइए मिलते हैं हमारे सफल किसान गीता प्रसाद पाटीदार जी से। गीता प्रसाद जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आप तो लगभग 50 वर्षों से खेती कर रहे हैं, तो पहले की जो पारंपरिक खेती थी और अब ये जो व्यापारिक खेती एक तरीके से होती जा रही है, इसमें क्या अंतर है? व्यापारिक खेती यूं होती जा रही है कि एक तो बड़ी जनता जी, दूसरा पहले इतना प्रोडक्ट पैदा नहीं होता था, जमीनें बंजर पड़ी रहती थी जी, जी। उनमें कोई बोता था नहीं, घास फूस काट लाते थे। फिर हमने ये सोचा कि हमको हमारे बच्चों को भी पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, हमारे बहन के लिए भी पैसा चाहिए। जब हमने देखा तो हमने उस खेती में पैदा करने के लिए नए नए तरीके अपनाना शुरू किए और हमारी फसल को बढ़ाना हमने शुरू किया कि कौन सी चीज़ में कौन से टाइम पे क्या चीज़ दी जाती है। तब हमें फसल मिलना शुरू हुई। अभी अभी हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि 7 इंची पे और 5 इंची पे जो सोयाबीन की जो सोइंग कर रहे हैं, क्या होता है कि वो जो सोइंग तो उनने कर दी, वो जब घनी हो गई तो उसमें जब जो मच्छर आए तो वो फूल का रस चूस के लिए गए। अब वो रस चूस गया, उसमें फल कहाँ से लगेगा, फूल ही उसने खा गई, तो वो उसने इल्ली भी छोड़ गई। तो इसलिए हमको कम से कम 15 से 18 इंच पे जो सोयाबीन आज भी बोया हुआ है, उस सोयाबीन में आज भी तंदुरुस्त फसल है जी, बिल्कुल ठीक। और उसका बीज भी ऐसा है बोल्ट दाना कि जो कि दूसरे पौधे में नहीं है, क्योंकि जब दूर दूर रहेगी तो कीट व्याधि भी कम आती है। सोयाबीन का प्रसंस्करण भी करते हैं। हाँ। तो ये प्रसंस्करण क्या है और इसकी तकनीक आपने कहाँ से सीखी? मैंने इसका प्रशिक्षण CIA नवीबाग से लिया जी। और मैंने इसका बनाना शुरू किया और खिलाना भी शुरू किया। सोया नट्स, सोया दूध, सोया पनीर, सोया श्रीखंड, सोया लस्सी, डायबिटीज कैंसर आटा, स्वास्थ्यवर्धक आटा जी, ये मैंने खुद ने बनाया। सोया बिस्किट भी बनते हैं और सोया बिस्किट डायबिटीज वालों के लिए भी मैंने बनाए थे। स्टीविया की पत्ती से 100 ग्राम स्टीविया की पत्तियां और सोया का आटा लेके बिस्किट बनाए, बाज़ार में बेचे भी मैंने, वो बाज़ार में अच्छे भी रहे वो। आज भी मैं नट्स बनाता हूँ 25-30 ग्राम डेली आप खाइए, डायबिटीज और कैंसर घर में नहीं आएगा, ये डॉक्टर साहब का कहना है और उनने चेक किया हुआ ये है और मेरे को उसके ऊपर सम्मानित भी किया गया है। और मेरे को 2-4 जगह से फसलों पे भी सम्मानित किया गया है, जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी जी जी बिल्कुल, और हमारे कलेक्टर महोदय ने भी, केंद्रीय कृषि मंत्री चरणदास महंत ने भी, तो ये और मृदा विज्ञान डायरेक्टर, तो मेरे को शील्डें भी मिली है, मैंने पुरस्कार भी लिए हैं। चलते चलते मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी कि क्या शिक्षित होने का मतलब ये है कि नवयुवक अपने घर से दूर, अपने गांव से दूर, अपने खेत से दूर रहकर ही कुछ नौकरी की तलाश में चला जाए, कुछ अच्छा तभी वो कर पाए? ऐसे तो नहीं कर पाएगा। यदि नौकरी ढूँढता है तो नौकरी उसी खेती में ढूँढे वो। मैं उससे वादा करता हूँ कि नौकरी से अच्छा रहेगा और सफल रहेगा। यदि उसके दिमाग से यदि वो खेती करता है और वो सच्चा किसान है, तो मैं ये बताता हूँ कि यदि उसने 1 एकड़ में बगीचा लगाया
तो 1 लाख की उसमें हल्दी पैदा कर सकता है वो किसान भाई। यदि आप सुधरो तो आपका परिवार ऑटोमेटिक सुधरता चला जाएगा, और आप नहीं सुधरोगे तो आपका परिवार तो परिवार, आपको देश को सुधारने में कितना टाइम लग जाएगा। यदि 1 हो अभी तो आप सुधारने में टाइम नहीं लगेगा, और जब 10 का झुंड हो जाएगा तो आपको सुधारने में टाइम लगेगा। इसलिए किसान भाइयों, मेरा दुख दर्द यही है कि इस हिंदुस्तान को सारने संवारने में आपका ही योगदान है। आप इसको सारने संवारने में सक्षम बनिए। तो दर्शक को देखा आपने, आज एक साधारण से दिखने वाले किसान कैसे सफल बन गए। होगी बदलाव की अब शुरुआत, सुधरेंगे तेरे हालात, मत हार मान तू, है देश की शान तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तांग साध ले, बढ़ा कदम तू वीर के जैसे, तूफान बड़े देखे ऐसे, न रुकेगा तू न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तांग साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी, कुछ सीख नया कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा ए, खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक, फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का आज का ये अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके पत्रों एवं सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड है 462013। इसी के साथ मैं लिपि जैन आपसे आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।